everyone, welcome back to Beauty at Home and I hope आप लोग सब बहुत अच्छे से हों। So ये एक get unready with me video है जिसमें मैंने ये look create किया था। उस video को मैं यहाँ पे tag कर रही हूँ, उसको फटाफट से देख लीजिएगा after this video। And इस makeup को मुझे कैसे take off करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आज it's a glittery makeup, as you can see मेरी eyes पे बहुत ज़्यादा glitter लगा हुआ है, then heavy eye makeup है, उसको हम कैसे take off करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन को रिंग करना नहीं भूलिएगा। सो फटाफट से क्विक वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने ये मेकअप को रिमूव कैसे करना है। सो उससे पहले सबसे पहले जो ऊपर जो टॉप लेयर होगी मेकअप की मैं उसको क्लीन करूँगी। एंड उससे पहले जो मेरी ज्वेलरी है उसको मुझे टेक ऑफ करना है और मैंने जो भी एक्सेसरी पहनी है उसको मैंने हटा दिया है और उसके बाद मैंने जो बिंदी है मैं इसको भी हटा दूँगी। मेकअप है उसकी टॉप लेयर हमें क्लीन करनी है। टॉप लेयर क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी गार्नियर का ये मिसलर वाटर। दिस इज़ बेसिकली फॉर ड्राई स्किन, मेरी ड्राई स्किन है सो ये ऑयल बेस्ड है तो इट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। तो मैं इससे अपना जो टॉप लेयर है मेकअप की वो क्लीन करने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे दो कॉटन पैड्स ले ली हैं और इनके ऊपर मैं इसको डालूंगी। इसको पहले शेक कर लीजिएगा बिकॉज मैंने बोला ये ऑयल बेस्ड है, ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इसके कॉटन पैड्स पे डाला है। देन उसके बाद हमें इसको अपनी आईज पर 5 सेकेंड्स के लिए रखना है। ओके सो अप्लाई, जस्ट इसको ऐसे रखिए, जस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट इसको वर्क करने दीजिए आपके आई लैशेज पे एंड रिमूव इट लाइक दिस। सी ऑल द मेकअप इज गॉन। दूसरी तरफ से उल्टा करना है और फिर से एक बार क्लीन कर लेना है। सो मैंने फ्रेश ले लिया है और इसके ऊपर फिर मैं आप जो ऊपर की लेयर है अपने मेकअप की उसको क्लीन करूँगी। अच्छा आपका ना सी सो आपका स्किन टाइप कैसा है इसके ऊपर ही आप यूज़ करेंगे आपके प्रोडक्ट, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गो फॉर दिस ऑयल बेस्ड मिसलर वाटर, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप वो नॉर्मल वाला जो होता है पिंक वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सो अब ये मेकअप निकल रहा है एंड मेरे जो लिपस्टिक है वो मैं से निकालूंगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉशिंग द फेस विद अ फेस वॉश। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस यूथ RX का ये फेस वॉश। इससे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ एंड आई जस्ट कम बैक। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी क्लोजिंग द पोर्स। पोर्स को क्लोज करूँगी मैं एक टोनर से। सो टोनर यूज़ कर रही हूँ मैं गुड वाइब्स का हनी टोनर। सो आफ्टर टोनर मैं यूज़ करूँगी लोटस यूथ RX का ये फेस सीरम। इसको मैं अपने फिंगर्स पे लूँगी पहले, 2 pumps आर इनफ। सो इसको टैप करके मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा दूँगी इस सीरम को। सो बेस्ट इज हमें टैप करके लगाना है, डैबिंग मोशन है। आफ्टर दिस सीरम मैं अप्लाई करूँगी मेरी लोटस यूथ RX की ही ये फेस क्रीम। सो इट्स अ वेरी नाइस क्रीम फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है आपके लिए बहुत अच्छी है बिकॉज इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, आपके फेस पे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं छोड़ती है। एंड आप इसको समर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी कम क्वांटिटी करके इसको अप्लाई करेंगे समर्स में, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। एंड द लास्ट स्टेप इज़ दिस आई क्रीम, दिस इज़ फ्रॉम मॉम एंड कंपनी। इसको मैं लगाती हूँ। ओके सो इसको मैं लगाऊंगी, इसको पंप करूंगी एक बार अपने इसी रोलर से। मैं इसको फॉर फ्यू सेकेंड्स मैं रोल करूंगी, देन उसके बाद मैं अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से मसाज करके पूरा जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ट्राई टू यूज़ मिनिमम प्रेशर हेयर एंड ट्राई टू यूज़ दिस फिंगर। ओके एंड द लास्ट, डोंट फॉरगेट योर लिप्स। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेबी इनका ये बेबी लिप लिप बाम। एंड लास्ट में मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। मेकअप साफ हो चुका है, स्किन क्लीन हो चुकी है एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं मुझे पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने मेकअप क्रिएट किया था, जो कि मैंने अभी टेक ऑफ किया है मेकअप, वो भी आप देख सकते हैं, उसको मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।